इफ़ यू वॉन्ट कि लोग आपको इज्जत दे, सोसाइटी में इज्जत मिले, आप इंडिया में हो यार, तो आपको अच्छा कॉलेज चूज करना पड़ेगा आपके लॉ के करियर को लेकर के, ठीक है। सीईटी का एग्जाम के थ्रू अच्छे कॉलेज टारगेट करो, चाहे आप जो भी एंट्रेंसेस लिख रहे हो, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस पार्ट, अगर आपका सीईटी में स्कोर नहीं अच्छा आया हुआ है, बकवास कॉलेज जाना नहीं है अपने को, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कॉलेज को लेकर के। एंड अगर आपका स्कोर बहुत कम है, 40, 50, 60, तो भी मतलब सीटी रिपीट करने के बारे में सोचो, या तो आपने दूसरे एंट्रेंसेस लॉ के लिखे हुए थे तो उसके बेसिस पे जो कॉलेजेस मिल रहे हैं गो फॉर दोज कॉलेजेस। तो यार कॉलेजेस मैटर करता है, आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो बहुत मैटर करता है। आप लॉ जीएनसी से कर लो, आप लॉ किसी अदर कॉलेजेस लो ग्रेड कॉलेज से कर लो, फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। द बेस्ट कॉलेजेस विल गिव यू द बेस्ट पार्ट, दैट इज़ अ नेटवर्किंग एलुमनाई कॉन्टैक्ट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो फ़र्क पड़ता है। ये शायद आपको अभी नहीं समझेगा, बट यार व्हेन यू पास आउट फ्रॉम दी लॉ और कॉलेज के अंदर ग्रेजुअली आपको ये थर्ड ईयर से मालूम पड़ना चालू हो जाएगा, मतलब आपका जो लास्ट ईयर लॉ का है वहाँ से आपको ये चीज़ समझना चालू हो जाएगी। तो कॉन्टैक्ट क्रिएट करो, बाकी इंफ्रा, फैकल्टी, प्लेसमेंट, अगर अच्छा कॉलेज है तो ये तो रहेगा ही, राइट। प्लस अगर इनकेस कुछ ऊपर नीचे भी है तो यार वो कॉलेज का नाम, ब्रांड नेम मार्केट में अच्छा खासा है। अगर आप आउट द कैंपस भी जाके कुछ ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जॉब ही ढूंढ रहे हो, प्लेसमेंट ही ढूंढ रहे हो, वो कॉलेज का टैग ही काफ़ी है आपके आगे की ग्रोथ को लेकर के, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपका बहुत बकवास स्कोर नहीं आना चाहिए सीईटी के एग्ज़ाम में, बहुत कम आ गया स्कोर तो कॉलेज भी वैसा ही मिलेगा। अगर आपका एवरेज स्कोर आ रहा है, मतलब 100 के आसपास, 90 प्लस या 100 के आसपास का स्कोर है, तो फिर एवरेज एक कॉलेज मिल जाएगा आपको। बट अगर आप 120 प्लस हो, 130 प्लस हो, 125 प्लस हो, या 115 के ऊपर आपका स्कोर है, तो एक अच्छा कॉलेज, टॉप कॉलेज डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड आप महाराष्ट्र बेस्ड हो या आउटसाइड महाराष्ट्र हो, ठीक है। एमएसएन ओएमएस कैटेगरी प्लस, अगर आप एससी एसटी में हो तो भाई फिर तो सोने पे सुहागा, ठीक है, तो आपके चांसेस और भी ज़्यादा है। बट हाँ, सीईटी का एक प्रॉब्लम और है, लॉ को लेकर के इतने कॉलेजेस महाराष्ट्र में है ही नहीं, सीट्स वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जितने लोग एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको एडमिशन मिल जाए, मतलब उतनी सीटी नहीं है। सीटी सेल खुद ही बोलते हैं भाई अच्छे से पढ़ लो, अच्छा स्कोर लेके आ जाओ, एंड गो फॉर द एंड गेट द एडमिशन इन द कॉलेजेस। सो मेक श्योर अपनी पढ़ाई अच्छी हो, एक तो पढ़ाई खुद के लिए करो, लोगों के लिए मत करो। आपको लॉ परस्यू करना है, अच्छा कॉलेज जाना है आपको, एंड यू वॉन्ट टू डेवलप योर सेल्फ, दुनिया को मुझे बताना है मैं ये कॉलेज में गया, वो मत करो, मतलब आप अपने ऊपर काम करो, लोगों को बाई डिफॉल्ट मालूम पड़ेगा, ठीक है। सो दोज हुआ टारगेटिंग फॉर सीटी 3 years or 5 years, मेरे क्लासरूम लेक्चर्स में भी मैं ये बोलता हूँ और लाइव क्लास में भी सेम चीज़ बोलता हूँ कि भाई अगर आप सीटी प्रिपेरेशन कर रहे हो, सो यू गॉट द कम्प्लीट करिकुलम इन योर क्लास, आपके पास टेस्ट सीरीज है, आपके पास वीडियो लेक्चर्स है, यू हैव अ गाइडेंस, मेंटरशिप, तो अगर स्कोर नहीं आ रहा है तो गलती किसकी है, आपकी है, आप नहीं पढ़ रहे हो ना, आपको मतलब या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, या तो आपने अभी तक पढ़ाई चालू ही नहीं की है, या तो फिर आप लेक्चर अटेंड करो बट प्रैक्टिस ही नहीं करो बुक से, तो ये सब चीज़ें पे आप काम करना चालू करो। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ कि हाँ मुझे कितना आता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमें कभी कभी ये करने में हम डरते हैं और उसके वजह से टाइम ख़राब हो जाता है और हम बाद में इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है, ठीक है। सो ऐसा कोई भी कॉलेज मत ले लो एडमिशन के लिए आपके कि उस कॉलेज को कोई जानते भी नहीं है, मतलब शायद उस सिटी में भी इतना फेमस नहीं है कॉलेज। मुझे बहुत सारे बच्चों का ये आता है कि सर ये वाला कॉलेज मैं ले लूँ क्या, मैंने वो कॉलेज के बारे में कुछ जाना ही नहीं है, सुना ही नहीं है कभी भी, सो हाउ कैन आई रिकमेंड यू, राइट। प्लस मैं गूगल पे जा करके, वेबसाइट पे जा कर देख करके आई कैन नॉट टेल एनीथिंग, कुछ कॉलेज की तो वेबसाइट भी नहीं है यार, ये ढंग से चल भी नहीं रही है, तो क्या करेंगे। सो इट्स बेटर टू विजिट द कॉलेज एंड सी कि आपको उस कॉलेज में सच में जाना था जब आपने आपके सीटी की पढ़ाई चालू की थी, मतलब जब हम सीटी की पढ़ाई चालू करते तो हमारा एम्बिशन होता है ना भाई जीएलसी जाएंगे, आईएलएस जाएंगे, ये कॉलेज जाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे, फिर होता क्या है कि प्रिपरेशन नहीं होती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंट्रेंस एग्जाम है यार, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल काइंड ऑफ अ बाउंसर्स, राइट, कुछ भी आ सकता है। दैट इज़ वाई आपके लेक्चर्स में और आपके मॉक में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, सारे वैरायटी वी हैव कवर्ड, राइट, कि कुछ अलग भी आ गया तो ऐसा कि ऐसा नहीं हो कि हाँ नहीं देखा है कभी, देखा है हमने, ठीक है। बाकी जितना जल्दी हो सके पढ़ाई चालू कर दो, अगर आपने पढ़ाई चालू कर दी, इफ़ यू आर मेन्यू स्टूडेंट, सो स्टार्ट टेकिंग योर सीईटी प्रिपरेशन सीरियसली एंड टारगेट फॉर द बेस्ट लॉ कॉलेजेस।
बैचेस को लेके वी हैव लॉन्च बैचेस एट आर ऑल द सेंटर दादर बोरीली वसई एंड थाने. यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर. अगर आप सेंट्रल लाइन में हो तो दादर वाशी हो गया आपका, डोंबिवली घाट के ऊपर कल्याण, आप थाने सेंटर दादर सेंटर पर विजिट कर सकते. बट इफ यू बिलोंग टू वेस्टर्न लाइन वसई में सेंटर है बोरीवली एंड दादर यू कैन विजिट. लाइव क्लास के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. अगर आप मुंबई में नहीं हो तो 8828581455 पे कॉल कर लो. एंड यार व्हेनेवर यू आर मीटिंग मी एट द सेंटर या तो लाइव क्लास में, सो कॉलेज को लेकर के करियर को लेकर वॉट एवर अदर डाउट यू हैव यू कैन आस्क मी. ठीक है, सो प्रिपेयर वेल एंड टारगेट फॉर द टॉप लॉ कॉलेजेस फॉर योर करियर. बकवास कॉलेज नहीं जाना है अपने को, बिकॉज लाइफ में लॉ एक ही बार परस्यू करना है. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.